नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सब का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के संध्या समाचारों को। झारखंड में फिर लटके पंचायत चुनाव, सरकार ने साधी चुप्पी। झारखंड में पंचायत चुनाव में पहले ही एक साल की देरी हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण से बेकाबू हो रहे हालात के बीच अब इस साल भी ग्राम पंचायतों में चुनाव होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अब तक राज्य सरकार ने भी इस मसले पर चुप्पी साध रखी है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले झारखंड में 2015 में पंचायत चुनाव हुए थे, तब त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के तहत ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव कराया गया था। इनका 5 साल का निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ये तीनों संस्थाएं स्वतः विघटित हो गई है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष के पंचायत चुनाव जानबूझकर लटकाने के आरोप को दरकिनार करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को फुल प्रूफ तरीके से बहाल करने की मंशा जताई थी। तब मई जून में पंचायत चुनाव कराने की बात जोर शोर से कही गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी की नियुक्ति के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही राज्य में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। इधर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव कराने के लिए ढेरों तैयारियां करनी होती है, जिसे जिलावार निपटाया जा रहा है। बिना तिथि बताए उन्होंने कहा कि झारखंड में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विघटन के बाद जनवरी माह में ही अधिसूचना जारी कर पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय रखने के लिए कार्यकारी समिति का गठन भी कर दिया था। बता दें कि सरकार राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने बीती फरवरी माह में राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करने की मांग की थी। झारखंड चैम्बर ने कहा, कोविड मरीजों को जीवन रक्षक दवाई व ऑक्सीजन नहीं मिल पाना चिंतनीय है। राज्य में कोविड मरीजों के लिए राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर की कमी के कारण मरीजों को समय पर इंजेक्शन के नहीं मिलने पर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने चिंता जाहिर की। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा। चैम्बर अध्यक्ष प्रवीण जैन झबड़ा ने पत्र में कहा कि इंजेक्शन के स्टॉक की कमी के कारण विभिन्न अस्पतालों में भर्ती संक्रमितों के परिजनों को अपने स्तर से इंजेक्शन की व्यवस्था करने को कहा जा रहा है। झारखंड में रेमडेसिविर की खपत के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने के कारण यह समस्या बनी हुई है। जहां आपूर्ति हो भी रही है तो यह अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में मरीजों को इंजेक्शन का एक डोज पड़ने के बाद दूसरे डोज के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने पत्र में आग्रह किया कि वर्तमान में लोगों के समक्ष जारी इस स्वास्थ्य संकट के शीघ्र समाधान के लिए जीवन रक्षक दवाई तथा ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने की पहल की जाए। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बुधवार को राजधानी रांची का सुबह से ही मौसम साफ रहा। हल्की हवा के साथ धूप खिली रही। आसमान में जहां तहां थोड़े बादल भी दिखाई दे रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का ट्रफ लाइन झारखंड में बना हुआ था, इससे रांची समेत आसपास के कई जिलों में मौसम सामान्य रूप से साफ रहा। इसके बाद अगले 3 दिनों तक रांची समेत रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और देवघर में आज सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। यहां का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच गया। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दुमका में 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बोकारो में 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सरकार ने 4 बड़े फैसले लिए। 12वीं की परीक्षा जो मई से 14 जून तक होनी थी उन्हें टाल दिया गया है। CBSE बोर्ड 1 जून को रिव्यू करेगा, इसके बाद 12वीं की परीक्षाओं पर फैसला किया जाएगा। एग्जाम से कम 15 दिन पहले छात्रों को परीक्षाओं की सूचना दी जाएगी। दूसरा बड़ा फैसला लिया है कि 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई है, ये भी 4 मई से 14 जून तक होनी थी। तीसरा बड़ा फैसला यह है कि 10वीं के छात्र प्रमोट होंगे, बोर्ड इसके लिए एक क्राइटेरिया तय करेगा, इसके तहत छात्रों को प्रमोशन मिलेगा। चौथा बड़ा फैसला है कि अगर कोई छात्र रिजल्ट को लेकर संतुष्ट नहीं है तो उसे परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। ये परीक्षाएं परिस्थितियों के सुधार के बाद ही कराई जाएगी। ये फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बुधवार दोपहर करीब 1 घंटे भर चली बैठक के बाद लिया गया। इससे पहले कई नेता और राज्य सरकारें CBSE की बोर्ड परीक्षा टालने की मांग कर चुके हैं। आप सबको बता देना चाहता हूं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई है।
रांची के पुलिस को सुरक्षित रखने के लिए विशेष इंतजाम, अलग से तैयार किया जा रहा है 200 बेड का आइसोलेशन सेंटर। बेहतर खान पान के साथ इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाने की भी होगी सुविधा। रांची में तेजी से फैलता कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी अपने गिरफ्त में ले रहा है। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स से लेकर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब रांची पुलिस की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इनके इलाज के लिए अलग आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। रांची के कुटे स्थित विस्थापित सेंटर को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। लगभग 500 बेड को तैयार करने की कोशिश है, जिसमें 200 बेड तैयार कर लिए गए हैं। यहां संक्रमित पुलिसकर्मी व परिजनों को रखा जाएगा, उन्हें बेहतर खान पान के साथ इमरजेंसी अस्पताल पहुँचाने की भी सुविधा होगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट रोजाना आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह का न्यूज सुनना पसंद करते हो। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।